सकें और अपने साथ होने वाली हर अच्छी बुरी बात को पुलिस के साथ शेयर कर सकें। इसे लेकर नागौर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विकास पाठक ने जिले में एक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत जिला पुलिस अब स्कूली बच्चों से दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश करेगी ताकि बच्चे अपने साथ होने वाली वारदातों के बारे में पुलिस को खुलकर बता सकें। बच्चों के साथ बढ़ रही बाल शोषण और बाल हिंसाओं की घटनाओं को रोकने के लिए अब नागौर का जिला प्रशासन आगे आया है। नागौर जिले का कोई भी बच्चा अपने साथ होने वाली किसी भी घटना को दबाए नहीं बल्कि खुलकर अपनी बात पुलिस के सामने रखे। इसको लेकर अब नागौर के जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विकास पाठक ने बाल संरक्षण का बीड़ा उठाया है। बच्चों और पुलिस के बीच दोस्ती वाला संबंध बनाने के लिए अब जिले में नई पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत पुलिस थाना अधिकारियों को अब वर्दी में स्कूलों में भेजा जाएगा ताकि स्कूल के बच्चे पुलिस को अच्छे से जान सकें। बच्चों को एक तरफ वर्दी को लेकर बड़ा क्रेज रहता है, तो वर्दी और जो डिसिप्लिन है और वर्दी से जुड़ी जो इज्जत है, उस चीज़ को देखना, करीब से देखना, उनसे बात करना, वर्दीधारी अपने कार्मिकों से, ये इनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जिले के थाना अधिकारी पुलिस वर्दी में अपने अपने क्षेत्र के स्कूलों में जाएंगे और स्कूलों में जाकर बच्चों में वर्दी के डर को दूर करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान बच्चों को ये बताया जाएगा कि पुलिस उनकी दोस्त है। बच्चों को ये समझाने की भी कोशिश की जाएगी कि वो अपने साथ होने वाली किसी भी घटना या वारदात की जानकारी बिना किसी डर के पुलिस को बता सकते हैं। इस दौरान पुलिस की तरफ से बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया जाएगा, साथ ही गुड टच और बैड टच को लेकर भी बच्चों से संवाद किया जाएगा। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों के माध्यम से घरों में ट्रैफिक नियमों की पालना, खासकर हेलमेट और सीट बेल्ट और ओवर स्पीडिंग ना करने के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करा सकें। इस बात के लिए इनके घर वालों को, इनके बच्चों से बात करा सकें कि ये जब घर से निकले तो हेलमेट लेकर निकले। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिद्धू ने भी नागौर जिला पुलिस की इस पहल की सराहना की है। भय की वजह से अक्सर बच्चे पुलिस से खुल के बात नहीं करते, तो इस भय को ख़त्म करने के लिए हमें स्कूल स्तर पर पुलिस और बच्चों के अंदर एक संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। राजस्थान को बाल मित्र बनाने के लिए आयोग की यह प्राथमिकता है कि स्कूल स्तर पर भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोग आयोजन करेगा जिसमें पुलिस और बच्चों का संपर्क हो ताकि एक बाल मित्र पुलिस की स्थापना की जा सके। नागौर पुलिस की बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल बनाने की ये कोशिश उन हालातों में मील का पत्थर साबित होगी जब बच्चे सिर्फ पुलिस के खौफ से अपने साथ हुई वारदातों को बताने से डरते हैं। मनोज सोनी, जी मीडिया, नागौर। चले से एक साथ बुलेटिन में इतना ही, जी राजस्थान पर खबरों का सिलसिला।